नमस्कार, दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में हम सभी एकजुट होकर इससे बचाव की मुहिम में लगे हुए हैं और ऐसे में हमारी सरकार भी काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने देश भर में लॉकडाउन जारी कर दिया है ताकि हम सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी समय समय पर एडवाइजरीज जारी की जाती हैं जिनका पालन करके हम सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। क्या हैं ये एडवाइजरीज, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस चाइना से आया, अब पूरी दुनिया में घूम रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा संक्रमण है जिसका हमें जल्दी से पता नहीं चलता। बता दें कि कोरोना वायरस यदि वर्टिकल है तो इसका डायमीटर 400 से 500 माइक्रो होता है, यानी कि बहुत भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मासिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है। मास्क या कोई कपड़ा भी वर्टिकल को रोक सकता है। बता दें ये वायरस जो है हवा में नहीं फैल रहा है, ये जमीन पर टिका है और यहीं से फैल रहा है, इसलिए हवा में इसके चांसेस बहुत कम है। ये छूने से ही आपके अंदर जाएगा। अब छूने से आपके अंदर कैसे जाएगा, तो पहले ये जान लें कि ये वायरस कहां पर कितने देर तक टिकता है। अगर मेटल की बात करें तो दरवाजे के हैंडल हैं, मेट्रो का आपने पोल पकड़ रखा है, या आप जहां पर भी जा रहे हैं, छू रहे हैं या पकड़ रहे हैं। बता दें जब कोरोना वायरस किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी उम्र 12 घंटे तक होती है। तो आपको करना क्या है, करना है कि घर पर आते ही 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और मान लीजिए कपड़े में वायरस है तो वो 9 घंटे तक जिंदा रहेगा, लेकिन आप कपड़े को धोकर 2 घंटे धूप में सुखा दीजिएगा तो ये वायरस भी खत्म हो जाएगा। अब अगर ये वायरस हाथों पर लग गया, शरीर पर लग गया, तो इसकी लाइफ केवल 10 मिनट है। तो एक हैंड सैनिटाइजर जो 50, 60, 70, मान लीजिए 100 रुपये में आएगा, अपनी जेब में रखिए। जब भी किसी से मिलिए तो टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, इससे वायरस खत्म हो जाएगा। अब एक और बड़ी बात, मान लीजिए वायरस आ गया आपके पास या नहीं भी आया आपके पास, वैसे भी थोड़ा सा गुनगुना पानी 15 से 20 मिनट पर 1 या 2 सिप पीते रहिए। गर्म पानी पेट में जाएगा और कहते हैं ना, पेट का तेजाब जो होता है इसे अपने आप खत्म कर देगा। अब एक और बड़ी बात, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बाहर की कोई चीज़ बिल्कुल ना खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर तो बिल्कुल नहीं। घर का खाना खाइए, गर्मा गर्म खाइए, फ्रीज के पानी से बचिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को तो थोड़े समय के लिए त्याग ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वायरस जो है ना ठंड की वजह से होता है। जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करें, काली मिर्च, अदरक है, चाय आदि भी आपके बदन की तासीर को गर्म रखेगी। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें, यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, यदि आपका इम्यून पावर ठीक है, तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यदि कोई छींक रहा है तो आप उससे 3 मीटर दूर रहिए, और यदि आप छींक रहे हैं तो दूसरों से भी 3 मीटर दूर रहिए। और हाँ, अगर आपको हल्का फीवर है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सूखी खांसी है, तो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नहीं जाइए। पब्लिक प्लेस में जहाँ तक हो सके नहीं जाइए और तुरंत चेकअप करवाइए। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें, ये वायरस इतना ज़्यादा भी ताकतवर नहीं है, इतना ज़्यादा भी मजबूत नहीं है जितना कि आप और हम सोच रहे हैं। बस इलाज नहीं है, लेकिन जागरूकता तो है ना। लेकिन हम बात करें अगर हमारे देश के अन्नदाताओं की,
तो उनके लिए तो ये काफ़ी बड़ी समस्या उभर कर आई है। जी हाँ, इस समय उनकी मेहनत खेतों में लहलहा रही है, यानी कि उनकी जो फसलें हैं वो पककर तैयार हैं, जिनकी कटाई किया जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में हमारे किसानों के सामने चुनौती है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरह से अपनी फसलों का भी बचाव कर सकते हैं, और इसके लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन में हमारे किसानों को छूट दे दी है ताकि वे कृषि कार्य कर सके। लेकिन हमारे किसानों को भी ऐसे में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है जिससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सके। क्या है वो बातें, क्या है वो सावधानियां, आइए आपको बताते हैं। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है, इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है, इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है, चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें, एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे, इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम ना करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण ना बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, ना कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर एक या दो व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो जाना आपने इन सावधानियों के बारे में, आपको इनका पालन करना है ताकि आप अपनी फसलों को तो बचा ही सकें, साथ ही साथ अपने आप को भी स्वस्थ बनाए रख सकें। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल।
जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते तरह तरह की भ्रांतियां हम सभी के मन में हैं कि किस तरह से हम इसके लिए बचाव कार्य कर सकते हैं। ऐसे में अगर चिकित्सक की सलाह हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आइए आपको बताते हैं क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतने की ज़रूरत है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं हमारे चिकित्सक। मेरा नाम डॉक्टर विजय जुच्ची है। मैं प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति विभाग सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं आपको गर्भवती महिलाओं को कोरोना इन्फेक्शन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि ये सब जानते हैं कि गर्भ के दौरान एक महिला को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जो उपाय कोरोना वायरस से आप संक्रमित ना हो, जो बार बार टीवी पे बताए जा रहे हैं, जैसे कि बार बार साबुन से हाथ धोना, दूसरों से दूरी बनाए रखना, और अगर खांसी हो तो उसको अपने हाथ के बजाय अपनी कोहनी से ढकना इत्यादि, ये सब करना काफ़ी आवश्यक है। और ये उपाय खास करके गर्भवती महिलाओं को बहुत ही नियमित रूप से पालन करने की आवश्यकता है। अभी तक मिली सीमित जानकारी के अनुसार कोविड या इन्फेक्शन या कोरोना इन्फेक्शन का बच्चे पे क्या असर होता है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी कुछ महीनों की ही जानकारी हमें उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बाकी जैसे इन्फेक्शन्स को गर्भ के दौरान या प्रसूति के दौरान जो हम उपाय इस्तेमाल करते हैं, इस इन्फेक्शन के लिए भी हमें वही सब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ खास अलग से करने की अभी तक कोई उपाय नहीं उपलब्ध है हमारे पास। कोई भी गर्भवती महिला, मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि कुछ भी हो तो उन्हें अपने नज़दीकी चिकित्सक या चिकित्सालय में जाके एकदम तुरंत दिखाना चाहिए, ताकि उनकी जो जांच है, जैसे भी वो समझे जो ज़रूरी है वो सब हो जाए, और उनका बिल्कुल टाइम से अगर इलाज ज़रूरी है तो वो भी हो जाए। तो जाना आपने क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर्स इस वायरस के संक्रमण के बारे में। बस आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको इस वायरस के संक्रमण से बचा सकती है। तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है, और हम अपने पूरे देश को स्वस्थ बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं इन तमाम जानकारियों से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और अपने आप को ज़रूर सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। नमस्कार। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अभी भी शायद परिचय नहीं दिया आपको इस जगह का। यह है रसूलपुर, बोलपुर शहर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव। इसके बाद अगर हम अपनी नजर खेत से उठाकर आसमान के पंछी की नजर से नीचे देखें
तो हमें खेतों के बीच पेड़ पानी से भरा ओएसिस जैसा एक बगीचा दिखेगा। यही है सबुज वन। रसूलपुर का सबुज वन एक इको टूरिस्ट जोन है। यहां 180 बीघा की जमीन का इस्तेमाल कर प्राकृतिक सौंदर्य के सहायता से और कुछ लैंडस्केपिंग के मदद से एक सुंदर बगीचा बनाया गया है। यहां है 5,775 तरह के पेड़ और है 20 बीघे का जलज इलाका। लेकिन सबुज वन केवल एक बगीचा नहीं है, यहां बनाए जाते हैं कीमती और विरल पेड़ के चारे। देश के विभिन्न प्रांत के उद्यान बनाने और शहर सजाने के लिए ये चारे इस्तेमाल किए जाते हैं। 2003 में जिसके हाथों ये सबुज वन शुरू हुआ था, उनका नाम है अब्दुल सलीम। चारे से हरा भरा होते हुए इस बगीचे के साक्षी हैं वो। গাছ বিক্রির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা ভারতবর্ষকে দেখি এবং ভারতবর্ষে এত সম্পদ, এত পাহাড়, এত নদী, এত জল, এত সমতল, সবকিছু নিয়ে আমরা অনেক কিছু ভাবতে শুরু করি। वैसे हर आरंभ के पीछे एक इतिहास रहता है, क्या है वो? আমি যখন ক্লাস 5 এ পড়ি তখন হবি থেকে ধীরে ধীরে গাছের শখ ছিল, শখ থেকে ধীরে ধীরে বিজনেসে চলে আসি। প্রথমে আমি গাছ বিক্রি করতাম বোলপুরে, তারপরে আমরা গাছ নিয়ে কলকাতায় হাতিবাগানের স্টারের সামনে বিক্রি করতাম। এইভাবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় গাছ বিক্রি করতে করতে আজকে ল্যান্ডস্কেপিং শুরু করি। আমাদের সেলিম সাহেবের ওর জন্ম থেকেই মানে ঝোঁক এইসবের ওপরে, তারপরে আস্তে আস্তে আজকে অনেক উন্নত এবং এই সবুজ বন হওয়াতে এই এরিয়াতে একটা নামও ছড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসছেন, তাদের সামনে আলাপ পরিচয় হয়েছে, অনেক অনেক দেখি ইয়ে হয়েছে, আগের থেকে কোন উন্নত। আসল মে প্রথাগত খেতি কে বাহার উদ্যান বিদ্যা কৃষি কা এক বহুত হি লাভজনক ক্ষেত্র হ্যায়। কাফি মাং হ্যায় ইন ফুলো অর দেশ বিদেশি পেড়ো কি। सबुज वन के किसी पेड़ का प्राचीन भूमि है ब्राजील, तो किसी का अफ्रीका। एरिजोना रेगिस्तान के पेड़ के पास ही है वर्षन वन का फर्न। प्राकृतिक परिवेश में जो कभी भी साथ निवास नहीं कर सकते थे, वो यहां साथ साथ बाग का बहार निखार रहे हैं। এটা হচ্ছে অ্যাডিনিয়াম ওবেসাম। এর অরিজিন হচ্ছে টেক্সাস, আমেরিকা টেক্সাস ডেজার্টের গাছ, মরুভূমির গাছ। আমাদের দেশে 450 বছর আগে এসছে, কিন্তু এই সবুজ বনে আছে প্রায় 40 বছর ধরে। এর বয়স হচ্ছে প্রায় 80 বছর। রুট সিস্টেমটা আমরা মানে এই রুটটা দেওয়া হয়েছে, রুট সিস্টেমটা প্রতি 2-3 বছর পর উঠানো হয়, তারপরে আবার নতুন করে সেট করা হয়। এইভাবে এই 35 বছর ধরে এর উঠানো হচ্ছে। यह एक अलग ही पृथ्वी मालूम पड़ती है, जहां सभ्यता का प्रतिनिधित्व मनुष्य नहीं पेड़ कर रहे हैं। এটা হচ্ছে স্যাম্পিয়ান পাম। এর অরিজিন হচ্ছে ব্রাজিল। তা এইটা যেহেতু একটা স্পেসিমেন প্লান্ট, এটা সিড থেকে পাঁচটা ব্রাঞ্চ বেরিয়েছিল, সেজন্য স্পেসিমেন প্লান্ট। তা এই ধরনের অনেক গাছ আছে যেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ল্যান্ডস্কেপে লাগানো যায়, যেমন স্যাম্পিয়ান পামের বড় গাছ, তারপরে সাইকাস রিবুলোটা, সাইকাস সার্সেনেলি, সাইকাস ডিউন এবং বিভিন্ন টোপারি, সেগুলো 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত গাছ আছে, যেগুলো বাইরে আমরা ল্যান্ডস্কেপিংয়ে লাগাই। এটা হচ্ছে শেওড়া গাছ। এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় একটা সার্ভস শেওড়া। তা এটাকে বিভিন্ন রকম রূপ দেওয়া যায়, যেমন এটা এই কাটিং করে এটা বিভিন্ন ব্রাঞ্চকে মানে যেগুলো রাখার সেগুলো রেখেছি, বাকিগুলোকে সরিয়ে দিয়েছি এবং এটা শেপ দেওয়া হচ্ছে।
এই ধরনের শেপ এই এখানে দেখবেন সবুজ বনে অনেকগুলো আছে, সেগুলো ফুল একটা রূপ নিয়েছে, কিন্তু যেহেতু এটা রূপ নাইনি, এটা একটা জিরো লেভেলে আছে, এটা বানানো হচ্ছে আর কি। তো এইভাবে বিভিন্ন রকম ডালগুলোকে ব্রাঞ্চগুলোকে করা যায়, মানে শেপে আনা হয়। এটা হচ্ছে কামিনী গাছ, কামিনী গাছকে কাটিং করে টোপারি করা হয়েছে। টোপারি একটা আর্ট, যে কোনো গাছকে রূপ দেওয়া যায় আর কি। তা এই এটা হচ্ছে কামিনী গাছের টোপারিকে এইভাবে সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে। আমরা এইভাবে বিভিন্নভাবে তৈরি করি, বিভিন্ন গাছকে তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ল্যান্ডস্কেপিং করি। এটা হচ্ছে নলিনা রিকার ভাটা, বুকানিয়া রিকার ভাটা বলা হয়। এর অরিজিন হচ্ছে মেক্সিকো, আমাদের দেশে প্রায় 500 বছর আগে এসছে। এইটা এখন সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন গার্ডেনিংয়ে, ল্যান্ডস্কেপিংয়ে। যখন ছোট অবস্থা হয় তখন মানে গার্ডেনিংয়ে ব্যবহার করা হয়, এবং যত এই বড় অবস্থায় সব বিভিন্ন জায়গায় ল্যান্ডস্কেপিং করা হয়। এবং এর মাধ্যমে আমরা প্রচুর বীজও পাই। আমাদের ভারতবর্ষে এর বীজ আমার হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে আজ 15 বছর ধরে সিড হচ্ছে। গত বছর আমরা প্রায় 3 লাখ মতো সিড পেয়েছি। आमतौर पर हर एक बीघे जमीन में 12 से 14 पेड़ लगाए जाते हैं। मिट्टी खोदकर गोबर और खाद डालकर बरसात के मौसम में उनमें पौधों को लगाया जाता है। तीन सालों के बाद आम के पेड़ों के फल उत्पादन शुरू हो जाते हैं। उन्होंने पौधों के लिए पॉलीशेड बनवाया है ताकि वो अत्यधिक बारिश और गर्मी के मौसम में बर्बाद ना हो जाए। এতে বিশেষ করে আমরা যেটা চিন্তা ভাবনা করেছি যে বর্ষার সময় যে প্রচুর পরিমাণে মানে চাষিদের পেপের চারা মানে বেডশিট যেটা তৈরি করতে আমাদের সমস্যা হয়, যেখানে ওপেন বেডে চারা ভালো হয় না, এবং বিভিন্ন রকমের ক্যাপসিকাম থেকে আরম্ভ করে তারপরে চেরি টমেটো এইসব চাষ করার জন্য আমরা এই গ্রিন হাউসটা রিসেন্ট তৈরি করেছি। এবং এতে বিভিন্ন রকম ফ্যাসিলিটি আছে যাতে চাষিরা সব মানে বিশেষ করে আর্লি যে ভ্যারাইটি, যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, তারপরে বিশেষ করে আমাদের এখানে এখন ক্যাপসিকাম চারা চাষ হচ্ছে, যেগুলো চারাগুলো আমরা প্রোডাকশান করে চাষিদের হাতে দিতে পারি, যে তারা যাতে মানে স্বল্প মূল্যে নিয়ে এলাকায় ডেভেলপমেন্টে করতে পারে, সেই জন্য আমরা আরও এটা তাড়াতাড়ি রেডি করেছি। आम के अलावा हयातुन्नबी के बगीचे में उगाए जाते हैं नारियल और पपीतों के पौधे, आर्थिक उन्नति में भी ये सहायता करते हैं। वो यहाँ उम्दा अमरूद भी उगाते हैं। हमरा जे पियारा गाछटा लागिएछि आमरा एखाने, ए पियारा जातटा होच्छे नाम होच्छे दूधे खाजा। ये पियाराटा सादा टाइपेर हय एबं खूब मिष्टि, एबं ए पियाराटा आमादेर पलाशी थेके आरम्भ नदियाते व्यापक हारे चाष होच्छे। आमरा किछु मादार ब्लक करेछि, ए गाछटार बयस होच्छे 4 बछर। এখান থেকে আমরা যেটা কলম করব সেটা হচ্ছে এই কলমের ভ্যারাইটির নাম হচ্ছে
ভিনার গ্যাপটি, প্রথমে আমরা যে ডগাটা কলম বাঁধবো তার ছালটাকে, উপরের পোর্শনে যে ছালটা রয়েছে সেই ছালটাকে আমরা গোল করে কেটে দেবো। উপরের দিকে একটা রোল করলাম, নিচের দিকে রোল করার পর উপরে যে ছালগুলো রয়েছে এই ছালগুলো আমরা তুলে দেবো। এই হরমোন পাউডারটা আমরা লাগাবো, সেটা প্রথমে লাগিয়ে দিলাম কাণ্ডতে। পরে আমরা তৈরি করা মাটি, যে মাটিটা আমরা বিভিন্ন রকম ভার্মি কম্পোস্ট, পচা মাটি এইগুলো দিয়ে আমরা রেডি করি, সেই মাটি দিয়ে আমরা প্রথমে এটাকে সেন মানে জল দিয়ে সেন মানে ই করে নিই, কাদা কাদা করে নিই। তারপর এটাকে আমরা এইভাবে জাস্ট এইভাবে এই যে কাটা অংশতে লাগিয়ে দেবো, পলিথিন দিয়ে আমরা এইভাবে জড়িয়ে নেব। জড়িয়ে নেওয়ার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুই দিকে সুন্দর করে টাইট, যাতে ভেতরে বাতাস না থাকে সেভাবে বেঁধে নিতে হবে। এই যে কলম পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে কয়েকটা লাভ আছে। যেমন প্রথম লাভ হচ্ছে আমি যে একটা চারা তৈরি করার পর সেই চারাটা চার থেকে পাঁচ বছর পরে ফলটা পাই, যেহেতু এইটা কলম বাঁধার চারা সেই জন্য আমরা এই চারাটা থেকে আমরা এই যে ফুল ফল এসছে, এই যে ফুল দেখা যাচ্ছে এই ফুল ফল এসছে সেই রকম গাছে, যেমন এই যে এই সব ফুল এসছে এই সব ডগায় যদি আমরা কলম বাঁধি তাহলে আমরা এবছর লাগালে পরের বছর আমরা ফল পেতে পাবো। फल के नर्सरी के अलावा उन्होंने फूलों का एक नर्सरी भी बनाया है। ফলের চাষ হলে কি হয়, ছ মাস ব্যবসাটা হয় কিন্তু ফুলে সারা বছর একটা বিক্রি আছে এবং বিভিন্ন রকম প্রচুর খরিদ্দার হয় এই সারের মানে ফুলের ব্যাপারে। আমরা শীতের সময় বিভিন্ন রকম ফুল করি। এই ফুলের বাগান করার পরে লেবারের পরিমাণটা মানে লেবার খাট যেটা খাটে সেটা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে, প্রায় 10-12টা লেবার শুধু ফুলের বাগানেই কাজ করতে হয়। 95 সালে ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে নার্সারির দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। ভারতবর্ষ ফলে ফুলে ভরে উঠুক এটাই আমি চাই। একটা গাছ থেকে প্রচুর অক্সিজেন দেয় যা শরীরের পক্ষে ভালো, মানুষের পক্ষে ভালো। আমাদের আগামী দিনে পরিকল্পনা এগ্রিকালচারের মানে বিভিন্ন রকম দিক, যেমন হর্টিকালচার আছে, এগ্রিকালচার যেসব এগ্রিকালচারের যেমন ভালো ভালো সবজির বীজ তো মানে চারা তৈরি করা এইসবগুলো, তার সঙ্গে টিস্যু কালচার কলা এইসব যদি ল্যাবরেটরি ভবিষ্যতে করতে পারি সেই পরিকল্পনা আছে। এবং আগামী দিনে যেহেতু ফুলের এই নার্সারিটা যেটা করছি সেটা 2 বছর হলো, 2 বছরে আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি এবং আগামী দিনে আরও বড় কিছু করার চিন্তাভাবনা আছে যাতে আমার ডেভেলপড হয়, লোকের ডেভেলপড হয় এবং সার্বিক ডেভেলপড হয়। বদলতে ভারত কি শান।